देखो अभी अभी वो बच्चा जा रहा है, कितनी मस्त जंप करेगा ये। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इकराज वीडियो। और अभी हम आए हैं कड़माऊ लेक, जो कि झांसी से 14 किलोमीटर दूर है। और ये अपना उरई रोड से थोड़ा अलग हटके हाई ब्रिज से नीचे तरफ से होते हुए आए, वो आप जीपीएस से देख सकते हैं। और हमें किसी ने बताया कि लोकेशन बहुत अच्छी है, आप पता नहीं बेवकूफ बनाया कि अच्छा बताया सही बताया, वो आपको देख के ले चलते हैं साइड पर, तभी मालूम चलेगा। लेट्स गो। तो गाइस अब हम चलते हैं। और जो आपको बताया अभी मैंने बोला था ना, किसी ने हमें बताया कि ये बहुत अच्छा स्पॉट है, तो उसके लिए वो एक लड़का जो हमारे पीछे चल रहा है ना, वो भी झुक गया है, उसी ने बताया। तो अब या तो मार खाएगा या पार्टी लेगा। और ये हमारी गुड़िया सो गई है अपने मौसी मौसा के पास है। मौसी को थोड़ा सा शर्म आती है तो वो वीडियो में नहीं आती है। मौसी मौसा देखे वीडियो में कि नहीं? हाँ मौसा तो दिख गए, मौसा तो आ जाते हैं, मौसी छुपी रहती है। मौसी को शर्म आती है, बाद में जब वीडियो चल जाता है तब कहती है कि मुझे वीडियो में क्यों नहीं लाए। हमारे साथ ऐसे ही दीप में भी हुआ था, तब भी शर्मा रहे थे। वाव वाव, सीन तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपको पलट के दिखाएंगे। ये तो सनसेट सनराइज पॉइंट है, और देखो नहाने वहाने का अच्छा स्पॉट है। ये पीछे लोग नहा रहे हैं, पीछे काफी बड़ी झील है ये। अगर आपको तैराकी आती है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो बहुत मजा आएगा यहाँ। सो गाइस, ये आप देख रहे होंगे झील काफी लंबी है, ये यहाँ पे फोर्ट रोड बना हुआ है, यहाँ यहाँ से लोग जंपिंग करके स्विमिंग करते हैं, चेयर्स भी डली हुई है। उस तरफ भी है झील, उस तरफ देखो, आपको बता दें वो जहाँ मैं फिंगर कर रहा हूँ वहाँ से कच्चा रास्ता भी है, रॉक्स भी है, रॉक्स पे भी फोटो शूट होगा। ऐसा भी हमें उसी लड़के ने बताया जो हम दिखाना चाह रहे थे, वीडियो में है, कैमरा पकड़े हुए है। तो गाइस ये आप देख रहे हैं ना, वो काफी लंबी लेक है, वहाँ से आ रही है, पहाड़ वहाड़ जो आपको दिख रहे हैं उसके बीच में ये आपको काफी लंबी लेक और काफी गहरी है, वो भी मुझे उसी लड़के ने बताया जिस लड़के की मैंने बुराई की थी। सो गाइस ये स्टेज जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये कड़माऊ लेक पे आने के लिए है, लेक काफी लंबी है, हम लोग भी यहीं से आए हैं क्योंकि पक्का रास्ता यही है, कच्चे रास्ते का दूसरा है, वहाँ पे आप बाइक वाइक लेके जा सकते हैं। और बाकी ये अब आपको बताना चाहते हैं, देखो जैसे हम यहाँ तक आ गए हैं, अब ये हमें देखो वो कच्चा रास्ता जो है ना वो रॉक के नीचे से होते हुए आता है, तो कच्चे रास्ते बाइक और पैदल आप आ सकते हैं, और रॉक वॉक पे भी काफी अच्छा फोटो शूट हो जाएगा। और आपको ये देख रहे हैं, ये लेक बहुत बड़ी है, लेक बहुत बड़ी है, माउंटेन्स के बीच में है ये लेक बहुत बड़ी है। अब ये देखिए आप, माउंटेन्स के बीच से आ रही है, और वो एक टापू भी है वहाँ पे शायद, और दो है। और सनसेट सनराइज पॉइंट ये काफी अच्छा कहलाता है, क्योंकि जहाँ माउंटेन्स और झील हो जाती है वो सनसेट सनराइज पॉइंट तो हो ही जाता है। हाँ। और ये आप झील देख रहे हैं, थोड़ी बहुत गंदगी दिख रही है, वो अभी क्या है, नवरात्र विसर्जन की है, तो उसकी है थोड़ी सी। और ये आप देखिए, ये पोर्ट है जंपिंग करने के लिए, जो अपना देखो अभी अभी वो बच्चा जा रहा है, कितनी मस्त जंप करेगा ये चीज क्या है, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जिसको आता है वो क्या, हम तो क्या है स्विमिंग पूल वाले स्विमर है, तो लेक वेक में तो हम डूब जाएंगे, तो हम नहीं करेंगे। बाकी बड़ा अच्छा फन पॉइंट लगा हमें, अगर आप लोग कभी भी झांसी आए तो झांसी 14 किलोमीटर दूर ही है ये कड़माऊ लेक, तो आप आ सकते हैं। और सुनने में आया है बियर पॉइंट, विस्की पॉइंट, ये सारे पॉइंट भी यहाँ कवर हो जाएंगे, मतलब आपको हैंग आउट करना है। गाइस ये था हमारा वीडियो कड़माऊ लेक पर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।